हाय एवरीवन, वेलकम टू आरसीफाई केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूजीसी नेट पेपर वन के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक का, जिसका नाम है केवीएस मदान और पियर्सन पब्लिकेशन की ये बुक है फॉर टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। सो चलिए देखते हैं इस बुक में कितने पेपर्स दिए हुए हैं। एडिशन की बात करें तो ये 7th एडिशन है बुक का फॉर द ईयर 2023। नेक्स्ट पेज पर गिवन है कंटेंट्स, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इसी के साथ जो मॉक टेस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं उसके बारे में भी बताया गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमें मिलता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एग्जाम। दिस इज द सिलेबस ऑफ एग्जाम। यहां पर आपको काफी डिटेल्ड सिलेबस मिल जाएगा। हर एक यूनिट के बारे में काफी डिटेल में बताया गया है कि कौन कौन से टॉपिक्स सिलेबस में हैं। यहाँ से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन पेपर्स। फर्स्ट पेपर है मेमोरी बेस्ड यूजीसी नेट क्वेश्चन पेपर 2022 सेट वन। स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, इसके बाद स्टार्ट होते हैं क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन को काफ़ी सिस्टमैटिक वे में यहाँ पर बताया गया है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसके बाद यहाँ दी गई है क्वेश्चन पेपर की आंसर की। आंसर की में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर हमें मिलता है हिंट्स एंड सॉल्यूशन फॉर एवरी क्वेश्चन। सबसे अच्छी बात यही है इस बुक की कि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है। यहाँ सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन के ही एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, बल्कि सभी क्वेश्चन का काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चार्ट के फॉर्म में और काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है सारा। यहाँ पर काफ़ी एडिशनल पॉइंट्स भी आपको बताए गए हैं। क्वेश्चन के आंसर के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ एक्सप्लेन किए गए हैं जो आपकी प्रेपरेशन के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो इसी तरह से आपको बाकी सभी क्वेश्चन के भी आंसर्स एंड उनके एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। अब स्टार्ट होता है क्वेश्चन पेपर 2022 का सेट नंबर 2 एंड ये मेमोरी बेस्ड है। यहाँ पर भी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ दी हुई है आंसर की और हिंट्स एंड सॉल्यूशंस, इनके एक्सप्लेनेटरी सॉल्यूशंस दिए हुए हैं नेक्स्ट पेज पर। और आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, एक एक चार्ट बनाकर और काफ़ी डिटेल में बताया गया है। बहुत अच्छी बुक है ये। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। स्टार्टिंग में सिलेबस दिया हुआ है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर की टॉपिक वाइज थियोरी आपको मिल जाएगी। एक एक टॉपिक को यहाँ पर समझाया गया है।
जैसे ही चैप्टर एंड होता है तो उसके पीछे क्वेश्चंस दिए गए हैं फॉर प्रैक्टिस, और काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इस बुक में। आप एक बार अच्छे से थियोरी पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं 241 क्वेश्चन तो यहीं तक हो रहे हैं, उसके आगे और भी क्वेश्चंस हैं अभी। सो ये सभी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 363। सो फर्स्ट चैप्टर में 411 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके बाद इनके आंसर आपको आंसर की के फॉर्म में दिए हैं, इनके एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 2, और इसी तरह से बाकी के चैप्टर्स को भी एक्सप्लेन किया गया है विद क्वेश्चंस। सो ये काफ़ी अच्छी बुक है,